दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। राज्य के नए सियासी समीकरण में शिंदे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। अब सरकार में शिवसेना के सहयोगी रहे कांग्रेस के नेता नई राहत तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। सूबे में सियासी अटकलें तेज हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से गणेश दर्शन के कार्यक्रम के दौरान चौहान की मुलाकात भी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी माहौल में अशोक चौहान के बीजेपी नेताओं के करीब आने की चर्चा तेज है। उन्होंने विधानसभा में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के फ्लोर टेस्ट से भी दूरी बनाकर रखी थी। इसके अलावा चौहान सबके घेरे में भी हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता अशोक चौहान जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम के बाद अब शशि थरूर ने भी दिखा दिए तेवर। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कर दी बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम ने भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस के G23 समूह में शामिल रहे मनीष तिवारी के साथ ही शशि थरूर ने भी पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े निर्वाचक मंडल की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर वस्तुतः सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके शशि थरूर ने मनीष तिवारी से सहमति जताई और कहा कि हर किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है तथा कौन मतदान कर सकता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में नहीं थम रहा इस्तीफों का दौर। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आज फिर 20 कांग्रेसी नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की मानो झड़ी सी लग गई है। बताया जा रहा है कि आजाद के समर्थन में आज जम्मू कश्मीर से 20 और कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने अगस्त में कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए थे। आजाद का इस्तीफा हालिया समय में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश में जहां की चुनाव होने वाले हैं, आनंद शर्मा ने भी अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वाले सभी 20 सदस्य जम्मू उत्तरी क्षेत्र की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। इन सभी ने पार्टी के नेता राजेंद्र प्रसाद के साथ इस्तीफा दिया है। आजाद की तरह उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने भी पार्टी में मंडली सिस्टम पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि फिलहाल लगभग गुलाम नबी आजाद के छोड़ने के बाद 200 से ज्यादा नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने किसानों के लिए कर दिए 6 बड़े ऐलान। कर्ज माफी और खेती के लिए 12 घंटे मिलेगी बिजली। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के बाद भी 0 बिल आता है ना जादू। मुझे फ्री बिजली का श्री कृष्ण का वरदान है। मुझे ही ये वरदान भगवान की तरफ से वरदान के रूप में मिला है। उन्होंने 27 सालों में जो बेड़ा घर किया है, अब भगवान सुदर्शन चक्र चलाकर दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने के बाद 0 बिजली बिल आएगा और पुराने सारे बिल माफ करेंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान गुजरात के किसानों के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी, अगर कोई किसान MSP पर फसल बेचना चाहता है तो सरकार उसे खरीदेगी। 5 फसलों पर गेहूं,
चावल, चना, कपास और मूंगफली से उसे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दूसरी गारंटी खेती करने के लिए किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देंगे। तीसरी गारंटी जमीनों के सभी पुराने सर्वे रद्द किए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर नया सर्वे करेंगे। चौथी गारंटी फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और पांचवी गारंटी नर्मदा बांध के कमांड क्षेत्र में कोने कोने में पानी पहुंचाएंगे। छठी गारंटी 2,00,000 रुपए तक किसानों का कर्जा माफ करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे भारत को नंबर वन देश बनाना है। केवल भाषणबाजी से भारत नंबर वन देश नहीं बनेगा, अस्पताल स्कूल बनवाने पड़ेंगे, तब जाकर भारत दुनिया का नंबर एक देश बनेगा। टीवी और स्कूटर की 3 साल की गारंटी होकर आती है, मुझे 5 साल की गारंटी दे दीजिए, अगर काम न किया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। मुझे गालियां देते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं। हम हर युवा को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनने पर 10,00,000 सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। 10,00,000 से एक नौकरी कम तैयार नहीं करेंगे, पेपर्स लीक हो जाते हैं, फिर होते ही नहीं है। सरकार बनने के बाद सरकारी पदों पर पेपर्स करवा कर सारे सरकारी पदों को भरेंगे और पेपर्स लीक की जांच कराएंगे। 2015 के बाद के सभी लीक पेपर्स की जांच करवा कर 10 सालों के लिए जेल भेजेंगे। कोई कितना भी बड़ा नेता हो उसको भी जेल भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ के बाद बीजेपी पर जमकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले झुकूंगा नहीं, मौत की सजा भी स्वीकार। ये आपको बता दें कि कोयला घोटाले की जांच का सामना कर रहे टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 30 बार पूछताछ के लिए तैयार हूं, लेकिन बीजेपी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने ये बात ईडी से पूछताछ होने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा जो राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं सकते और डराने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं तो मैं मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूं। अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले के मामले में आज ईडी के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह कोई कोयला या पशु घोटाला नहीं है, बल्कि यह गृह मंत्री घोटाला है जिसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बीएसएफ की मौजूदगी में गाय की तस्करी कैसे हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि गौ तस्करी का पैसा सीधे अमित शाह के पास गया है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी बनेगा यदुवंशियों का अखाड़ा, मुलायम सिंह नहीं उतरे तो शिवपाल यादव लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। ये आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी से मंत्रणा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से खुसुर फुसुर होने लगी है। हालांकि सभी पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए धार देनी भी शुरू कर दी है। वर्षों से सपा के खेमे में रही आजमगढ़ सीट पर अब भाजपा का कब्जा है। अखिलेश यादव से लोकसभा सीट छिनने के बाद कुछ राजनीतिक दलों की नजरें उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी पर टिक गई हैं। वर्षों से सपा खेमे के कब्जे में इस सीट पर अब शिवपाल यादव ने भी ताल ठोकने के संकेत दिए हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के चुनाव न लड़ पाने की सूरत में खुद मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में आने की बात कही है। शिवपाल से पूछा गया कि इस बात की चर्चा है कि अगर मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों से मैनपुरी से नहीं लड़ेंगे तो आप भाजपा के सहयोग से मैनपुरी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि नेताजी स्वस्थ रहें और पुनः चुनाव लड़ें और जीतें। यदि वो नहीं लड़ना चाहते तो देखेंगे कि तब क्या हालात मोड़ लेते हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव वर्तमान में सांसद हैं। अगर मुलायम सिंह यादव 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो पूरी संभावना है कि शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ जाएं। बताया जा रहा है कि तब भाजपा उन्हें समर्थन दे सकती है। ऐसे में सपा व प्रसपा इस यादव बहुल सीट पर आमने सामने होगी। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या वृद्धि पर अब लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेज दिया नोटिस, दिया सख्त आदेश। ये आपको बता दें कि अधिक जनसंख्या की समस्या को लेकर दायरे की याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के वास्ते नियम कानून और दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेज दिया है। जस्टिस के एम
जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले को इसी तरीके की अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दांडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और बढ़ती आबादी को जारी नहीं रख सकते हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि में भारी वृद्धि होती है तो राष्ट्र फिर कोई और काम नहीं कर पाता। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार बढ़ती आबादी को रोजगार नहीं दे पा रही है, ना ही भोजन पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। यही वजह है कि इन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनसंख्या कानून जल्दी नहीं लाया जाता तो देश टूट की तरफ बढ़ सकता है। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा पहले अपना कुनबा संभालो उसके बाद भारत जोड़ो की बात करो। या आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, जिसे लेकर जेपी नड्डा ने हरियाणा के कैथल में आयोजित रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर परिवार केंद्रित दल होने का आरोप भी लगाया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अब ना तो विचारधारा की पार्टी है और ना ही राष्ट्रीय पार्टी है, यहां तक कि अब ये क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, ये एक भाई बहन की पार्टी बन गई है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने का हवाला देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने इसके लिए अपने जीवन के 50 साल दिए और अपना खून पसीना बहाया वे इसे छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा कि वे क्यों जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि वरिष्ठ नेता इस संदेश के साथ इस्तीफा दे रहे हैं कि पार्टी को पहले अपने कुनबे को एकजुट रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब वे भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, अरे पहले अपनी पार्टी तो जोड़ लो। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में मचा घमासान, लक्ष्मण सिंह ने भी मिलाए G23 के सुर में सुर, कहा पार्टी चमचों से नहीं चलती। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में मचे घमासान में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी शामिल हो गए हैं। अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए खरी खरी कह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी चमचों से नहीं चलती, कार्यकर्ताओं से चलती है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पारदर्शी तरीके से हो तो कांग्रेस कार्यकर्ता का हौसला बढ़ेगा। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर बागी सुर दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी के बाद अब दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी नेतृत्व के प्रति बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चमचे परेशान हो सकते हैं, होने दीजिए, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, चमचों से नहीं चलती। अगली बड़ी खबर, शिवसेना की दशहरा रैली पर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में बड़ी तकरार, दोनों ने बीएमसी में किया आवेदन। ये आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को शिवाजी पार्क में आयोजित करने का ऐलान कर चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने कहा था कि ठाकरे गुट संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के सिद्धांतों और विचारधारा को भूल गया है, उसे ये रैली करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल शिवसेना पिछले कई वर्षों से विशाल शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन करती रही है। इस दौरान पार्टी संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे का भाषण भी होता था। इस बीच खबर मिली है कि मुंबई नगर निकाय को दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क बुक करने के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दोनों की तरफ से आवेदन मिले हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग के लिए हमें पिछले महीने 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ये दोनों आवेदन दोनों ही गुटों ने दिए हैं। शिवसेना की दशहरा रैली पर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में अब तकरार बढ़ गई है। आपको बता दें कि दोनों ने रैली के लिए बीएमसी में आवेदन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका खारिज, अदालत ने कहा कि एक लाइन सुनाकर बताओ। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर दायर हुई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है और कहा कि ये एक नीतिगत फैसला है जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कहा। अदालत में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी बंजारा की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी।
बेंच ने सवाल किया कि भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है। वहीं बंजारा ने कहा कि वो केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार होगा। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी है। अगली बड़ी खबर, फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 5 सितंबर को बुलाया गया विशेष सत्र। यह आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक संकट पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। आपको बता दें कि 5 सितंबर तक अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा नहीं देंगे। 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 सितंबर के बाद तय होगा हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या नहीं। अगली बड़ी खबर, केरल में उतरे मोदी और शाह, 2024 में लोकसभा की 20 सीटों पर नजर। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केरल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कोचीन हवाई अड्डे के निकट कलाड़ी गांव में आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में प्रार्थना की। उन्होंने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी ने कोची मेट्रो रेल के फेज 2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। खास बात है कि अभी पीएम मोदी का दौरा पूरा भी नहीं हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच गए। सहात त्रिवेंद्रम में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। मिशन 2024 के अंतर्गत केरल की 20 लोकसभा सीटों पर भाजपा की नजर है। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुल सका था। पार्टी के पास जो एक सीट थी उसे भी नहीं बचा सकी। पार्टी ने अब केरल में ईसाइयों और मुस्लिमों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों पर आई रिपोर्ट पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार कब तक जुमले बांटेगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि के बारे में हालिया रिपोर्टों पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर जुमले देने और युवाओं की हताशा का कोई वास्तविक जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 2021 में देश में बेरोजगारी के कारण 11,724 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई है। ये संख्या साल 2020 के मुकाबले 26% ज्यादा है। भाजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं को निराश कर रही है। वाड्रा ने कहा कि सरकार के पास इस भयानक बेरोजगारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई जवाब है। सरकार कब तक जुमले बांटेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में नौकरी चाहने वालों में से प्रत्येक 1,000 में से केवल 3 ही को रोजगार मिला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।